हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग आए? आप सारे अच्छे होंगे, सब मजे कर रहे होंगे। तो भाई, केदारनाथ का व्लॉग आज शुरू हो गया, केदारनाथ बाबा का, क्योंकि हमने रात को यहीं स्टे किया। ये जो टेंट देख रहे हो, ये टेंट मिलते हैं यहाँ पे, बड़े सस्ते मिलते हैं। आप लोग आओगे तो मंदिर से आधा किलोमीटर या फिर एक किलोमीटर के आसपास ये टेंट है, और ये आपको मिल जाएंगे पर पर्सन 200 रुपये। उससे ऊपर जाओगे पता नहीं कितना है। आप तो भाई थक गए थे तो यहीं रुक गए, तो इनसे पूछा तो उन्होंने बोला भाई 200 रुपये एक बंदे का। मैं बोला ठीक है। तो टेंट काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी पीछे जो ये बादल दिख रहे हैं ना, यहीं पे बाबा है, लेकिन अभी मैं थोड़ा ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ। ऐसे ही वो लोग सो रहे हैं, अभी खराटे लेके। एक तो यार दिन ने बहुत खराटे हुए, दिन ने सोना दिया उधर। वो दूसरा जो एक पंजाब का लड़का मिल गया, वो भी हमारे साथ, बोला भाई मैं अकेला आया था तो वो भी हमारे साथ ही रहा। तो भाई इन्होंने बहुत खराटे खरा खां 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 सोने ना दिए। ऊपर से आगे बारिश, और फिर कल से घर फोन आ रहे थे घर से कि भाई क्या वहाँ अमरनाथ जी पे वहाँ बादल फट गया और बहुत लोग मर गए, तो कुछ वैसे डर गए। तो भाई धीरे नींद पता नहीं कब आई कब ना आई, बारिश बहुत तेज आ रही थी यहाँ भी, अब बादल कड़क रहे थे तो डर तो बनता ही है। तो अब थोड़े दिन फिर निकलेंगे मंदिर के लिए, जब वो उठ जाएंगे, मैंने जगाया नहीं। मैं चल कोई ना उठ जाओ, अभी मौसम भी थोड़ा ऐसा ही है, क्या देखेंगे वो। तो यार मैं सोच रहा हूँ अभी की, अभी तो खैर आरती नहीं होगी, होगी पता नहीं, 4 बजे हो जाती है, तो अभी बज रहे 6:30, और अभी आरती ली नहीं। शाम को सोचेंगे कि भाई, मैं तो इनसे बोलूँगा कि शाम की आरती ले लोगे तो बेस्ट है, और देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ ये टेंट बने हुए भाई सारे, वहाँ भी, नीचे भी, यहाँ इधर, और उसके आगे और भी। बस सुबह आपको तो भी अभी का कुछ व्यू इस तरह से है। ये सामने इधर बाबा का दरबार है, अब यहाँ जाएंगे, बोर्ड जाए फिर चलते आगे। तो भाई अब जा रहे हैं मंदिर पे, यहाँ से 500 मीटर रह गया बस, और मौसम यार खुल नहीं रहा, ऐसे ही हो रखा है अभी, और ठंड इतनी है नहीं, बस वो थोड़ी हल्की फुल्की जो होती है। बाकी आप लोग जब भी आओगे, रुकने का साधन बहुत है यहाँ, आप 1-1.5 किलोमीटर पीछे से भी मतलब कैंप शुरू हो जाते हैं। आप वहाँ रुक लो, यहाँ आके रुक जाओ। यहाँ थोड़ा ये रहता है कि भाई आप यहाँ आए थके यारे, और रूम और ये कैंप वगैरह सब बिजी है, बुक हो गए, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वापस जाना पड़ेगा आपको। तो इससे बढ़िया भाई वहीं ले लो, बाकी आपकी मर्जी। अगर मौसम थोड़ा साफ होता ना, और मज़ा आता देखने में, ग्लेशियर वगैरह सारे दिखते हैं यहाँ से, अब नहीं दिख रहे। ये जा रहा है सारा पानी बहता हुआ है यहाँ से, वहाँ रास्ता बनाया हुआ है, उधर से बनाया हुआ है, ये पहले टूटा हुआ होगा कुछ, वो पड़ा है यहाँ। नाल लग रहे है भाई दर्शन करके। ये यहाँ पे फ्री चेकअप कैंप लगाए हुए कि भाई कोई बीमार बीमार हो जाए आराम से यहाँ दवाई वाई लेके सो जाए, ठीक होके फिर कर ले यात्रा। उधर से आए हम, और फिर ऐसे यहाँ से चढ़ गए, अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ लोग नहाने लग रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ठंडे पानी में नहा रहे। ये बनाया हुआ नया बना दिया होगा उधर जाने के लिए। यहाँ से अभी रह गया 200 मीटर बाबा का मंदिर, और अंदर से इतनी खुशी मिलती है ना कि मेरे मन में कई सालों से थी कि मैं यहाँ जाऊँ। ट्रिप बनते थे, रह जाते थे, बनते थे, रह जाते थे। तो अब की बार मेरा अनिल के साथ था, अनिल ने, उनको एक उसकी ज़रूरत थी रजिस्ट्री वगैरह करवाई, तो भाई उसमें बिजी हो गए वो, तो फिर दिन से बात करे तो तभी हाँ है। कोई नहीं आता तो मैं अकेला था भाई अब की बार। तो बाबा ने बुलाई लिया, कहते हैं ना कि जब बुलाव होता है तब चले आते हैं। तो अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, मंदिर बस सामने ही है। तो मौसम खुल गया अब थोड़ा थोड़ा, अब दिख रही है ना, नीड है अभी भी ना, यहाँ से लाइन लगी हुई है भाई। ये भाई आए हुए हैं नेपाल से, नेपाल का झंडा है, सही है, दूर दूर से आ रहे लोग, लाइन लगी हुई है ये, ऐसे घूम के फिर उधर से ऐसे, मतलब जिगजैग बनी हुई है। तो भाई अभी नहा लिए और नहा के अब दर्शन करने के लिए आ गए, लाइन लगी पड़ी है बहुत ज्यादा यार।
लेकिन तब तक मैं साइड में दिखा देता हूँ मंदिर। ये वे साइड से है यहाँ, और पीछे जो ये है वो पर्वत ना, जिसने बचाया था मंदिर। ये है भाई, इस मंदिर में ना कोई जोड़ नहीं है, जैसे बताते हैं कि भाई ये वैसे बनाया हुआ है, ना कोई मसाला ना कुछ उस तरह से। अब और ये वो पत्थर है, ऊपर जाता हूँ मैं, ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये वो भीमशिला है जिसकी वजह से मंदिर सुरक्षित रहे हमारे। ये और यहाँ मंदिर है, ये इतनी बड़ी चट्टान है ना भाई, फोटो खिंचा रहे सब यहाँ। ये देखो बिल्कुल बैक वहाँ आके ना लास्ट में यहीं आके रुक गए, और इस पर ऐसे आए होंगे, ये पत्थर ना इधर से आया होगा और आके यहाँ रुक गया। जस्ट मंदिर के बैक साइड में बिल्कुल प्रॉपर, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, और मंदिर के लास्ट में यहाँ रुका हुआ है। तो वह सब ऊपर वाली कृपा है, इन्हीं की कृपा है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। इतनी बड़ी चट्टान यहाँ आके रुकी है, वरना सब कुछ टूट गया था उस टाइम में, सब चला गया था, सब रह गया क्या मंदिर। विश्वास ये कायम है कि हाँ है कुछ धरती पे। बहुत से लोग यहाँ मैंने देखा, बहुत से लोग ना सिर्फ ये आते हैं कि भाई रील बनाने, रील तो चलो आ रहे, भाई रील बना भी देते हैं सिर्फ घूमने के पर्पज से कि भाई हम तो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो है ना दर्शन करने जरूरी है, आए हो मन से आना चाहिए। मेरा तो बहुत दिन से मन था यहाँ कसम से आने का कि भाई ले मंदिर पे जाऊँगा, तो बाबा ने सुन ली पुकार और आ गए हम। तो अभी यहाँ पूरे में घूम रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा वो लाइन में लगे हुए, अभी मज़ा आ रहा है। लेकिन ये जो भी यहाँ घूमने आए हुए हो बेचारे, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, मतलब तसल्ली से यहाँ देख के मंदिर के दर्शन करके सब घूमने लग रहे लोग ना। जब से इस पर्वत ने ना, इसने ये मंदिर की रक्षा करी है, तब से इसे पूजते भी हैं यहाँ, और लोग मानते भी है कि भाई हाँ इनके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब ये। और पता नहीं कितने सालों से मंदिर बना हुआ है, अभी मैं पूरी जानकारी लूँगा, गूगल पे पढ़ूंगा, मैंने अब तक पढ़ा नहीं है सच्ची में। कह रहे द्वापर में, मतलब दूसरी सदी होगी उसके टाइम में ये मंदिर बनाया था, किसने बनाया था वो भी मैं सारी पे पढ़ लूँगा, झूठ बोलूँगा नहीं। मौसम अच्छा हो रखा है, थोड़ी देर में बस और सूरज देवता दर्शन दे दे फिर और अच्छा हो जाएगा। जैसे घर से कल कॉल आई थी ना कि भाई वहाँ अमरनाथ जी पे वहाँ ऐसे ऐसे बादल फट गया, लोग मर रहे हैं, तो यहाँ मैं भी डरा था, मेरे साथ में ये लड़के ये भी डर गए थे कि भाई सच में ना हो। रात में जब बारिश हुई थी यहाँ, बहुत तेज बारिश हुई थी और बादल की आवाज़ आ रही थी, बिजली की गड़गड़ाने की, और फिर लास्ट में ऊपर वाले का नाम लेके भाई सो गए टेंट में। सुबह पता चलो वो जो हमारा टेंट था वो भी भीगे हुए, कपड़े वपड़े भीग गए थे कुछ, क्योंकि पानी भी जाता है ना, तो उसकी वजह से। फिर अभी आए दर्शन करने के लिए, लाइन लगी हुई है यार, कम से कम हजारों लोग आए हुए जो लाइन में लगे हुए हैं। अब जुगाड़ करेंगे कैसे क्या है, कहाँ से लाइन में, लास्ट में लगना पड़ेगा हमें। अब सब ये कह रहे कि भाई मैं ना लगूँ, मैं यार देखना पड़ेगा, पर दर्शन करने तो लाइन में लगना ज़रूरी है। बैठे यहाँ पे अभी, तब तक व्लॉग अपना बना रहा हूँ, मैं उसे बोल आया हूँ पंजाबी भाई है जो, मैं यार लाइन में लग लेते हैं। अभी यहाँ ना ये बाउंड्री कर दिए, बाउंड्री इसलिए करी वहाँ से अगर पानी वानी आता है, पत्थर आते तो वहाँ रुक जाएगा वो कैसे भी करके ना। और अभी जगह जगह वो बनाए हुए कि भाई पानी पत्थर जो है रुक रुक के आए, मतलब तीन चार स्टेप में इन्होंने तार फैंसी और वो बड़ा अच्छा किया हुआ है। पीछे चल के देखते हैं वो भाई लाइन में लगा है नहीं लगा है वहाँ का, वरना हम भी लगना पड़ेगा। मैं एक बार टाइम देखे, अगर लग जाओ ठीक है, वरना मुझे लगना पड़ेगा जाके। नंदी महाराज भी यहाँ, और सामने दर्शन बाबा के। ये नंदी महाराज टच कर लेता हूँ मैं। लाइन लगी हुई है पूरी, वहां तक लाइन लगी हुई है, ले लिया है प्रसाद, अब जाते हैं वहां लाइन में, वो लगा दिया मैं, कर दे इतनी तो। जो मंदिर के द्वार के सामने बाबा, सेकंडों में यहाँ ना मौसम चेंज हो रहा है, अभी धूप निकली थी थोड़ी और अब फिर से ऐसे ही मौसम हो गया, अंधेरा अंधेरा सा हो गया एकदम। तो मंदिर में अब हमारी एंट्री हो रही है, अंदर फोन साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि बंद रखना पड़ता है ना, तो जेब में रख लेंगे।
गेट पे गणेश जी बैठाए हुए एंट्री गेट पे। तो वे पूरे मंदिर के मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं, जो शिला है पीछे जिससे मंदिर बचा वो भी पूरी, जहाँ तक मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है तो पूरा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं।